Okay, welcome everyone to the Solutions Bengal's first astro discussion based channel. আমরা বেশ কিছুদিন এই চ্যানেলে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি ডিউ টু সাম টেকনিক্যাল ইস্যু এবং আমাদের কিছু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ওয়ার্ক চলছিল, তার জন্য আমরা প্রায় পুরো টিমটা একটু ব্যস্ত ছিলাম। তো এগেন ওয়েলকাম এভরিওয়ান। অ্যাকচুয়ালি এই দ্য সলিউশন হচ্ছে একটা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড চ্যানেল, এটা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে হয়। আমরা যে কথাবার্তা বলি সবগুলো বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে হয় এবং আমরা চেষ্টা করি যে স্লাইড যেগুলো আছে সেগুলো যেন ইংরেজিতে হয়, তাহলে কি সুবিধা হয়, যারা বাংলা বুঝতে পারে না তারা যেন ইংরাজির স্লাইডটা বুঝতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের কাছে কন্টিনিউ কমেন্ট আসছে, ফোন আসছে যে আপনারা কিছু রাষ্ট্রীয় ভাষায় অথবা ইংরেজিতে কোনো ভিডিও করুন। তো আজ ইয়ে যে হাম লোক ভিডিও বানানে যা রহে হ্যায়, ये हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि ये द सॉल्यूशंस एक रीजियनल चैनल है एवं रीजियनल लैंग्वेज बेस्ड चैनल है जो बेंगोली रीजियनल चैनल है। लेकिन आप लोग का जो कमेंट है, आप लोग का जो प्यार है ये चैनल के लिए, तो हम लोग अब लोग जो बार बार हम लोग को बोले हैं कि आप हिंदी में बनाइए या फिर इंग्लिश में वीडियो बनाइए, तो आज ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये दोनों ही लैंग्वेज में है। मैं हिंदी में बोलूंगा और मेरे साथ जो है सौरभ वो इंग्लिश में बोलेंगे। तो आज ये बढ़िया एकदम बढ़िया और बार्न टॉपिक है कि जो चाइल्ड बर्थ का जो इशू है वो चाइल्ड बर्थ का इशू के लिए क्या क्या रेमेडी हो सकता है। तो जो मैं पहले जो बात तो बोलने जा रहा था कि देखिए चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग पहले जो देखते हैं वो है फिफ्थ हाउस देखते हैं। तो जो एसेंडेंट है, एसेंडेंट से अगर आप काउंट करेंगे जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस हम चाइल्ड बर्थ के लिए देखते हैं। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो सकता है चाइल्ड बर्थ में, ये हम थोड़ा पहले जान लेंगे। देखिए अगर फिफ्थ हाउस में नेचुरल मैलेफिक जैसे मंगल, केतु, राहु, सन यानी रवि, ये नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट जब फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है या फिर दो नेचुरल मैलेफिक एक साथ कॉन्जक्ट करके बैठ जाता है तो चाइल्ड बर्थ में इशू होता है। जैसे मंगल मिसकैरेज भी देता है, केतु चाइल्ड बर्थ को डिले करता है, सैटर्न अगर बैठ जाए तो सैटर्न भी डिले करता है। लेकिन सैटर्न उतना खराब नहीं है क्योंकि सैटर्न चाइल्ड बर्थ को डिले करता है लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो डिनाई नहीं करता है। तो पहला जो बात है, फिफ्थ हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है एक या एक से ज्यादा तो चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम होगा। दूसरा जो बात है, अभी देखना होगा फिफ्थ लॉर्ड जो है यानी फिफ्थ हाउस का जो मालिक है, वो फिफ्थ लॉर्ड अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया है, समझिए फिफ्थ लॉर्ड है आपका मरकरी और वो बैठ गया है मंगल और केतु के साथ, एस्पेक्ट भी हो सकता है कॉन्जंक्ट भी हो सकता है, तो भी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं। हम लोग जब चार्ट हमारे पास आते हैं तो बहुत सारा केस ऐसे देखे कि फिफ्थ लॉर्ड अगर मैलिफिक के साथ बैठ गया तो भी चाइल्ड बर्थ का इशू आ जाता है। और एक जो बात है, फिफ्थ लॉर्ड अगर 6, 8 और 12 ये तीन जो घर है, 6, 8 और 12 ये तीन घर का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड के साथ भी अगर बैठ गया तो बहुत टाइम में हम लोग बहुत सारा ऐसा चार्ट कुंडली देखे हैं जहां पर चाइल्ड बर्थ के इशू आ जाता है। तो ये गया फिफ्थ लॉर्ड का प्रॉब्लम जो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अभी देखिए, अभी हम ये बात किए हैं कि एसेंडेंट यानी लग्न से अगर फिफ्थ हाउस एफेक्टेड है, एफ्लिक्टेड है तो चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम होता है। लेकिन एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि हम कोई चार्ट में ऐसे भी हम लोग को मिलता है कि एसेंडेंट से फिफ्थ लॉर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिफ्थ हाउस का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मैलिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है, फिर भी चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम। तो एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहे हैं कि अगर बृहस्पति यानी गुरु गुरु से हम अगर काउंट करना शुरू करें तो गुरु से जो फिफ्थ हाउस है वो फिफ्थ हाउस भी हमको देखना होगा कि वो फिफ्थ हाउस क्या कोई मैलिफिक एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कई मैलिफिक प्लैनेट से बैठा हुआ है या नहीं। तो एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी गुरु से अगर हम फिफ्थ हाउस देखें और वो फिफ्थ हाउस हम जब देखेंगे कि कोई मैलिफिक एस्पेक्ट हो चुका है तो भी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है।
तो ये फिफ्थ हाउस का जो कॉन्सेप्ट है एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी और एज पर एसेंडेंट बेस्ड, ये दो भी दोनों हम लोग अभी बोल चुके हैं। और एक चीज हम लोग देखे हैं जब हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे थे, देखिए कोई भी घर का जो पहले का जो घर है वो घर सामने वाला घर का जो भलाई है उसको बढ़ा भी सकता है और जो भलाई है उसको काट भी सकता है। तो ऐसा देखा गया हुआ है कि फोर्थ हाउस अगर बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है, फोर्थ हाउस अगर बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है, फोर्थ लॉर्ड नहीं, फोर्थ हाउस अगर बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है तो भी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है। और ये भी दिखा गया हुआ है कि फिफ्थ हाउस में सपोज कोई एक मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है लेकिन फोर्थ हाउस उसका बहुत बढ़िया है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं आता। तो फिफ्थ हाउस भी यहाँ पर एक रोल करता है, फोर्थ हाउस भी यहाँ पर एक रोल करता है फॉर चाइल्ड बर्थ, क्योंकि हर एक घर अपना अगला वाला जो घर है वो घर को कभी भी काटता है कभी भी उठाता है एज पर वो घर का जो लॉर्ड, जो लॉर्डशिप नहीं बोल रहा हूँ, वो घर का जो पोजीशन है वो घर का पोजीशन भी जाता है। तो ये तो बात हो गया चाइल्ड बर्थ का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम लेके, अभी हम लोग बात करेंगे कि रेमिडी क्या कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो रेमिडी है, पहला रेमिडी है आपको देखना है कि आपका फिफ्थ हाउस कौन सा मैलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड हो चुका है वो पहले आप निकालिए। जो जो प्लैनेट आपको मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, वो प्लैनेट का कुछ पर्टिकुलर डोनेशन है, कुछ दान वगैरह है, तो पर्टिकुलर डोनेशन पर्टिकुलर डे में करते रहिए, इसमें बहुत बहुत बढ़िया काम होता है। ये गया पहला रेमिडी। सेकेंड जो रेमिडी है वो जो आपको प्लैनेट मिला है एक या दो या तीन जो भी खराब प्लैनेट मिला है, मैलिफिक प्लैनेट मिला है, वो हर एक प्लैनेट का एक एक डाइटी होता है, यानी एक एक गॉड रिप्रेजेंट करता है। जैसे मंगल को हनुमान जी, केतु देव को गणेश जी, ऐसा करके हर एक मैलिफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट का डाइटी रहता है यानी गॉड रहता है। तो आपको जितना भी मैलिफिक प्लैनेट मिले रिगार्डिंग फिफ्थ हाउस, अगर आप उस गॉड को नमन और पूजन करें तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ये रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ इशू। अभी हम तीन नंबर जो रेमिडी का बात कर रहे हैं वो बात है थोड़ा एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ना, जिसका फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, चाहे वो नेटिव मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, जिसका है उसको क्या करना है, एक सोने का यानी गोल्ड का एक वायर बनाना है, सोने का एक वायर बनाना है, वायर मतलब एक तार की तरह बनाना है सोने का, ओके वो बना लीजिए। फिर क्या करना है, दिन के किसी भी टाइम में, रात को भी हो सकता है दिन में भी हो सकता है, किसी भी टाइम में आपको एक ग्लास दूध लेना है। दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो सोने के आप तार बनाया है वो तार को आपको हीट करना है आग में। तब तक हीट करना है जब तक कि वो लाल नहीं हो जाए। लाल होने हो जाने के बाद वो तार आपको वही जो दूध है एक ग्लास दूध वो दूध में डुबा देना है। उसके बाद आपको वो दूध एकदम पूरा पूरी पी जाना है। तो वो दूध पीने के बाद फिर करीबन आधा घंटा कुछ नहीं खाने से ही अच्छा है। तो ऐसा अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारे केस में हम लोग को देखे हैं कि चाइल्ड बर्थ का जो हार्मोनलाइज प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी मिट जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि दादा ये लॉजिक क्या है इसके, एक सोने का तार जिसको हम गर्म करते हैं और दूध में डुबाते हैं और खाते हैं, ये मैजिक है? देखिए ये कोई मैजिक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी कोई मैजिक नहीं है, दिस इज अ प्योर साइंटिफिक प्रोसेस। तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू इसका क्या है कि देखिए पुत्र कारक ग्रह जो है यानी संतान कारक ग्रह जो है, जो प्लैनेट है वो गुरु है यानी बृहस्पति है, और बृहस्पति का मेटल जो है, गुरु का जो मेटल है वो गोल्ड है, तो हम लोग गोल्ड लिए। और एक चीज आपको ख्याल करना होगा कि ये जो गुरु है, ये गुरु चंद्रमा का जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि में ये गुरु उच्चस्थ हो जाता है यानी एग्जॉल्टेड हो जाता है, और दूध चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये गुरु को चंद्रमा से मिला रहा है जहां पर गुरु सबसे बढ़िया फल दे सकते हैं। यह है एस्ट्रोलॉजिकल रेमिडी और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
और अगर आप आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में जाए तो आयुर्वेदिक कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ है कि स्वर्ण भस्म जो है, स्वर्ण भस्म अगर हम लोग लेते हैं तो हमको जो चाइल्ड बर्थ का इशू में जो जो हार्मोनलाइज प्रॉब्लम होता है वो हार्मोनलाइज प्रॉब्लम स्वर्ण भस्म भी ठीक करता है। तो ये आपका आयुर्वेदिक का जो प्रोसेस है, आयुर्वेदिक के हिसाब से भी ये एकदम प्रॉपर प्रोसेस है। अभी लास्ट और एक रेमेडी बोलूंगा, ये एक वास्तु का रेमेडी है रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। देखिए जब तक फिफ्थ हाउस नहीं एक्टिव होगा चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम रह जाएगा ही। फिफ्थ हाउस में मैलिफिक हाउस है, फिफ्थ हाउस एक्टिव हुआ है फिर भी चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम आया। अभी आप ये सब करने के बाद फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपको समझना होगा कि आपका फिफ्थ हाउस एक्टिव ही नहीं है। तो हाउ टू एक्टिव योर फिफ्थ हाउस, तो यहाँ पर वास्तु में यहाँ एकदम सिंपल सा रेमेडी है। जिसका फिफ्थ हाउस हम लोग एक्टिव करेंगे उनको क्या करना है, आप मार्केट में जाइए, एक कैनवास या बड़ा जो आर्ट पेपर लेके आइए बहुत सारा, और आप कलर पेंसिल लेके आ सकते हैं या कलर ब्रश ले आ सकते हैं, कलर विथ ब्रश। तो हर एक दिन एक फिक्स टाइम में आपको क्या करना है, कोई भी आपका मन में जो भी पिक्चर आए, कोई भी सीनरी आए, कोई भी चीज आए, वहां पर ड्रॉइंग कीजिए। ड्रॉइंग करने के बाद वो जो पेपर है वो पेपर घर में अच्छा तरह से रख दीजिए। कंटिन्यू अगर आप ऐसे ड्रॉइंग करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका फिफ्थ हाउस धीरे 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 एक्टिवेट करना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हम बोल रहे हैं, हम लोग जो रेमेडी बोल रहे हैं, ये एक दिन दो दिन करने से नहीं होता, आपको ये कंटिन्यू करना होगा। तो जब भी आप ड्रॉइंग करेंगे धीरे 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 आपका फिफ्थ हाउस भी एक्टिव होगा, तो चाइल्ड बर्थ के इशू लेके जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। तो ये था मेरे हिसाब से रिलेटेड प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। और अभी मैं सौरभ से बोलूंगा कि सौरभ अपना जो व्यू है रिगार्डिंग, क्योंकि सौरभ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता है, मैं तो सनातन और नारी करता हूँ, सौरभ जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता है, अभी ओवर टू सौरभ रिगार्डिंग प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ एंड हाउ टू प्रिवेंट द लॉसेस इन फॉर चाइल्ड बर्थ, और रेमेडी क्या हो सकता है ये चाइल्ड बर्थ के लिए। ओवर टू सौरभ। Hello, welcome everyone. After such a long time, I am here. The thing is that it's a very sensitive issue nowadays, this childbirth, these horrible things. Because the main problem is that now 100 out of 99 women are suffering with ovarian cyst or polycystic ovary. It's a very common phenomenon in today's scenario because today the level of pollution is increasing so much and our food habit has changed also. Like we used to take a lot of junk foods and all the stuff, and our daily life has changed radically in recent times. The most of the women are also working women, so they have to bear a lot of stress. I know a lot of women who are homemaker as well as a they are working somewhere, so their stress level is much more higher than a common woman. So these are very common problem which results into a delay in progeny or increasing the percentage of miscarriage or unable to carry a baby, and people are moving to IVF, etc. I have seen lot of charts. Yesterday I have seen one chart where I noticed all these sort of problems. The means 6 years ago, they women get married with a person and still they are trying to conceive, but result is not coming. So before going to the nitty-gritties, from the perspective of medical astrology, I would like to tell few things. There are a lot of gland, everyone know there are a lot of gland in our body. ठीक है, हम लोगों के शरीर में जो gland रहता है, this gland secretes hormones. The hormone secretes by the gland, these hormones are very important for progeny. There are certain female hormones which actually work together for progeny or pregnancy. And these certain hormones, these hormones are covered, are governed by some planets. Basically, I would like to give a fair idea about these hormones and what are their functionality, and kon kon planet
इस हार्मोन को कंट्रोल करता है. सो एज वंस आई कंप्लीटेड दिस थिंग द व्यूअर्स विल गेट टू नो व्हाई देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द विद दोस प्लैनेट व्हिच पार्थेंदु हैज ऑलरेडी टोल्ड टू यू. द मेन प्लैनेट्स इज फॉर प्रोजेनी इज मून द जुपिटर फॉर फीमेल्स ऑफ कोर्स फॉर मून जुपिटर Venus, Mars. These four are the main planets which governs the progeny or pregnancy system. But the thing is that why these planets are so important, that I would tell you, and the viewers will understand. The first and foremost, the hormone which is very important from progeny is the STH, which is somatotrophic hormone. It regulates the skeletal growth. It regulates the general body growth. If ASTH in somatotrophic hormone has imbalances in a female body, then definitely वो जो जिसके शरीर में वो somatotrophic hormone का deficiency रहेगा, she will not will be that much nutritious or that much his body mass index will be much lower. Hence, there will be problem in progeny. And this somatotrophic hormone is completely controlled by Moon and Jupiter. So here is the first point. So Parthenduda, you just noticed the planets which I am telling. Somatotrophic hormone is controlled by Moon and Jupiter. The next most important hormone for females are luteotrophic hormone. It helps complete development of the breasts. Actually, there are a lot of issues coming that after conceiving, if your development of breast and the lactation process does not get proper, it's fall in a different shape. So luteotrophic hormone is very important. Again, I am not going that much details. Once we start our medical astrology class, I will go more detail in this each and every topic. Right now I am just giving a fair idea to the viewers. This luteotrophic hormone is again controlled by Moon and Jupiter. So second time. Third is thyroid stimulating hormone, TSH. Nowadays, most of the women are suffering with a thyroid-related problem. Either there are two sort of thyroids. One is making you heavier and another is making you smaller, thinner. These two creates major issue in progeny. This TSH hormone, thyroid stimulate hormone, actually normal amount of thyroxin required to development of nerve. Not only for mother, also for the baby, which is conceiving. So here again, the three planets, that is Jupiter, Venus and Mars. So TSH is completely controlled by Jupiter, Venus and Mars. So Jupiter is everywhere. In Moon and Jupiter in is very important for female progeny. Now it's FSH, follicle stimulating hormone. It stimulates the supermatogenesis. It's a medical term. Actually, its FSH is the folic acid level. You matlab jab ab dekhenge ye folic acid jab koi when a woman gets pregnant, the first treatment a gynecologist does, he or she prescribe a folic acid tablet to that woman. Because it's a very important for a woman to conceive the baby in a proper manner and hold the baby, and so this folic acid level has to be maintained throughout the pregnancy period, not only pregnancy, post pregnancy period also. So this FSH hormone is the most important hormone in case of pregnancy. Again, this FSH gland or this FSH hormone is controlled by Mars and Venus. So again, Mars and Venus comes into play. And the last thing is LH.
LH is a luteogenine hormone. It's a, another important hormone. It's ovarian follicles. Matlab hum logo ka jo, I'm coming to the body parts which involved in this total pregnancy cycle. The most important body parts is ovary for a woman to conceive. This ovarian follicles, ovarian shape, the development of ovarian wall, it's all controlled by this LH hormone. And here, this hormone is also governed by Mars and Venus. So, we take the four planets, which is Venus, which is Mars, which is Moon, and which is Jupiter. These four planets are most important for a woman to get pregnant and have a very smooth pregnancy. So, jaise Parthendu ne bola, now if these four planets are somewhere around is afflicted, or affliction is caused by some other planets, it has to be seen from ascendance, it has to be checked from the moon, it has to be checked from the sun, also it has to be checked from the natural zodiac. That means by taking Mace or Aries as the ascendant. So if we check in this four dimensional checking, then we'll Guru se bhi check karna hoga as per Nadi astrology. Yeah, in Nadi astrology they take Jupiter as Jupiter is the natural significator of the childbirth. They also take that. If we check this four dimensional, we'll definitely find that either of these four planets or all of these planets are either afflicted or any sort of problem is creating by this planet. That's why the woman doesn't have a good pregnancy. Now, let us understand the houses. The fifth house, the sixth house, the seventh and eighth. These four are the major house controls this progeny. Fifth, sixth, seventh, eighth. Not only fifth. Fifth is the most important, but sixth, seventh and eighth. These three houses have equal importance. Why? Fifth is the house denotes the childbirth. Sixth and the seventh, these two house controls two fallopian tubes. Means F tube jo hota hai, wo do hota hai, and these two covered in these two houses, sixth and seventh. If you have any, it's a challenge, open challenge to viewers. You check the horoscope of any woman who is not having a proper progeny, or he is having trouble in getting pregnant. You see, if the sixth or seventh house somewhere around get afflicted, her fallopian tubes must have some blockage or anything. It's a thumb rule. Also, the seventh house is denotes the uterus, and the sixth house is denotes as the sixth house is also the ovary. So if there is sixth house is afflicted by Rahu or Saturn, then there will be some sort of cyst or polycystic ovary. And seventh house is afflicted, then there might be some problem in uterus or in the F tube. And why the eighth house is important? Because we judge sexual relationship or the conjugal life from eighth house. If eighth house is afflicted or eighth house is disturbed, then a couple may or may not have a proper conjugal life. If your conjugal life is get disturbed, then how you can expect a woman to get pregnant? And another thing, another most important house is the 12th house. Why 12th house? People may raise their eyebrow, but you consider we judge bed pleasure from 12th house. If we don't have the bed pleasure, then it's an integral part of marital life. If we don't have the bed pleasure proper, then there will be problem in progeny. It's must. These are psychological aspects.
So all these house has to check. There are some short formulas also there. If Saturn, if these planets, which planets? The Moon, the Venus, the Jupiter and the Mars, these four planets, either or all of these planets is aspected or afflicted by Saturn, then there will be pain while menstruation cycle. It's a thumb rule. Lot of women have pain while they are having their menstruation cycle throughout that period. It's caused by Saturn. And if it is not Saturn, it's by Rahu, then there will be cycle will be missing. There will be other problem. There will be polycystic ovary and this all thing. So this house needs to be corrected. The duty of the astrologer is not only to check the fifth house, but to check all these houses. Get and to see whether these are houses are getting interconnected. Then there will then the woman will be will have a good pregnancy. And another thing which I would like to tell that my first point was the changes of lifestyle. See, the combination, if I go by the constellation astrology, the combination to get pregnant or get a pregnancy or a childbirth is 2, 5, 11. Why 2? 2 is the family. Why 5? 5 is the childbirth. 11 is fulfillment of desire. So 2, 5, 11. These houses needs to get interconnected. Then tell me, what is the combination of marriage? Combination of marriage is 2, 7, 11. 2 is the family, 11 is the fulfillment of desire, and 7 is the house of marriage. So in every chart, in every chart, once a couple get married, you see from the chart of father, you see the chart of mother. When 2, 7, 11 house get activated, people get married. After getting married, sooner or later, fifth house gets activated. It's a nature's call. Fifth house get activated as soon as people get married. So after marriage, people will get a good planetary combination for childbirth. But what do? Nowadays we plan for childbirth. We ruin the nature's call. The period which is going, which is good for childbirth, we let that period to go. Now we are stuck plan. Now we are stuck for planning after 1 year or 2 years. On that point of time, you may get, may not get that important period. So how people expect to get smooth pregnancy? We should not go against the nature. We always follow the rules of the nature. So that's all from my side. I give a fair idea to throw some light in the this pregnancy related issue. Later on in some other video, I will show some chart and the thing which I have told, that people may get carried away with these things. So I will prove that these things are actually how these things are affecting a birth chart of a male or a female. That's in the second part of our video. That will be in the second part of our video. That's all for today from my side. Over to you. Okay, thank you, Saurav, for your healthy and nutritional stuff regarding progeny, childbirth. बात ऐसा हो गया है कि पहले जो बात था जो नेचुरली होता था अब क्या हो गया, हम लोग वहां पर ताला भी लगा दिए और अपने हिसाब से वो ताला खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं और ताला बंद भी कर रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं? तो बात ऐसा ही हो गया है। अभी 2019 बहुत फास्ट है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के लिए है। चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, आईवीएफ में जाएंगे, आईवीएफ नहीं हो रहा है फिर टेस्ट ट्यूब में जाएंगे, टेस्ट ट्यूब भी नहीं होगा फिर सरोगेट मदर में जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर को थोड़ा अपोज करके काम कर रहे हैं। तो देखिए, नेचर को अपोज करके काम करने से अच्छा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा भी रहता है जिसका
नहीं हो रहा है, प्रोजेनिया नहीं आ रहा है, वो करता है आई फील, क्या करेंगे, उसको भी लगता है कि मेरा भी एक बच्चा रहेगा, मुझको भी मम्मी बोलेगा, मुझको भी पापा बोलेगा, करता है तो करना पड़ता है। You know, Parthendu, that this lifestyle is the major factor. I am giving you a small example of mine. I have a client based on Bangalore. People get married 11 years back. Still, they are trying for a baby. Everyone does. So they come into my contact I just forgetting this day. Anyway, I judge both of their husbands and wife charts, and they are going for IVF. Actually, they are going for IVF. So I suggested them a period, fertile period, and they have postponed it. According to my suggestion, they have postponed it 6 months for that IVF for 6 months. And also, I have prescribed a remedy. Please don't laugh. I prescribed a cat's eye to that husband. I give a moonstone to that wife and the husband. I prescribed a cat's eye. People may laugh that Ketu, how does Ketu come into play? But that's not the thing. In as per constellation astrology, on that husband child, only Ketu is the prime significator of the childbirth. That's 5-11, 2-5-11 house is only signified by the Ketu. So I give a cat's eye. So after wearing that cat's eye, I told them to wait for 6 months, then go for. I remember it's maybe 2017 November. I asked them to go for that IVF. According to my suggestion, they have changed the doctor, and I have told that there will be blockage in the left fallopian tube of the woman. So they took my suggestion and they changed their doctor. And once after medical test, they found really there is a blockage in that fallopian tube. And doctor has done minor operations, and it getting cured. And after that, they took a gap of 6 months, and then they go for IVF. It was so nice by God's grace that I still have that WhatsApp message that people was that husband was overwhelming reaction to me. He even wants to come to Calcutta to visit my place, and he was so happy, the husband and wife. And I am also getting a lot of pleasure out of this sort of thing. But that woman is a working woman. She used to drive the car. After having IVF in the 3.5 months, the day a husband called me and he was crying over the phone, that day the crying was in joy. He was telling me that today I listened my child's heartbeat over the microphone. So I was also very happy. The day he told me, after 3 or 4 days, he was calling me and he was crying again. But that is not joy. That is in sorrow. What happened? His wife was driving a car. She was having a small car called Nano. So she was going to her office. There are some bumper in the road. She was in hurry. She rushed through that bumper. It get jumped and her pregnancy get disturbed. They suddenly she feel lot of pains and she has to admitted to the hospital. And the same doctor who has done the IVF, she has to conduct a operation. And they have lost their child and it was a male child. After getting washed out, the doctor has told that it was a male child. It was very sad. It was very sad. And since then, it was mid of the 2018. Since then, almost 1 year is going. They are not going for any IVF, anything. They are so disheartened with this thing. And hands are also tied because they don't have any sort of planetary combination. If they go for IVF at this point time, it will be total wastage of money. Lakhs and lakhs and rupees will be wasted. So I cannot suggest anything. Only I can pray to God. So this is the problem with the lifestyle. You have to change your lifestyle. If you get a good pregnancy, there need to take some caution. It may sound very harsh. It may people thought that Saurav Mukherjee, what Ravi Saurav Mukherjee is speaking, he is teaching us.
how to maintain our lifestyle. No, that is not. It's a practical experience. Just I have shared. वही बात बोला कि अभी 2019 है, बहुत कुछ ऐसा हम लोग करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लोग को करना पड़ता है. और हर कोई भी चाहता है कि जिसका कोई इशू नहीं है उसका भी इशू आए, कोई उसको मम्मी बोले, कोई उसको पापा बोले, ऐसा हो, सब लोग चाहते हैं. तो चाइल्ड बर्थ का इशू एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत सेंटिमेंटल इशू भी है. थ्रू आउट सॉल्यूशन द यूट्यूब चैनल हम लोग थोड़ा ट्राई किए कि अगर कुछ चाइल्ड बर्थ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग जो उपाय बोले हैं, अगर हो सकता है तो आप लोग ये उपाय कीजिए, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए. और हम लोग तो हमारा नंबर भी देते हैं यूट्यूब चैनल में, जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग हमारा नंबर भी देते हैं. अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल गया हम लोग को जनाइए, हम लोग भी खुश हैं. सिंगल पॉइंट रिगार्डिंग रेमेडी, आई हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग. There is a mantra called Santan Gopal Mantra. It's a readily available in Google. Just check the pronunciation. If it is in Sanskrit, then the pronunciation will be very correct. So it's a small remedy. I will not specify any. I can't tell any gemstone like that without seeing the chart, because as I told, Ketu can't be give childbirth. Any planet can give childbirth except Saturn and Jupiter, if and only if these two are not the strongest significator. However, this Santan Gopal mantra, anyone can try. It is available in the Google. They can start, they can have the process. Just I am telling, in front of the deity of Bal Gopal or Laddu Gopal and Ganesh Ji together. You put Ganesh Ji and the Laddu Gopal together in your house after having bath. In the early morning, in empty stomach, you stand in front of your deities and chant the Santan Gopal mantra 108 times on a daily basis. 108 times. Put a glass poured with the milk in front of the deity. After chanting the mantras, just drink that milk. Continuation of this process for 41 weeks is definitely going to help you great. A good pregnancy, and it's a very miraculous remedy to having the childbirth. I have prescribed it for 3 or 4 people. Out of the 2, I getting feedback that they get a very good pregnancy. And regarding Rudraksh, 2 Mukhi Rudraksh is also help to get pregnant, because if husband and wife together wear this 2 Mukhi Rudraksh, wears a white thread, husband should wear it on the left arm and right arm, and the wife should wear it on the left arm, it will help them to get interconnected by way of mind, because 2 Mukhi Rudraksh is the deity of 2 Mukhi Rudraksh is moon, and moon is connected with our mind. So they will have a better married life, they will have a better understanding, they will have a good conjugal life. It all together results in a good pregnancy. This from the remedial side. मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका भी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, आज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और तो बहुत बढ़िया एक मुझको क्वेश्चन किया था कि दादा मैं लड़की चाहता हूँ, आज का जो दिन है तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर लड़की लोगों को अगर मालूम पड़ गया तो कोई कोई गांव में एबोर्शन भी कर देता है. क्योंकि ये जो बंदा था ये हमको बोला था दादा मुझको लड़की चाहिए, तो संतन गोपाल मंत्र जब बोला सौरभ ने तभी मुझको याद आया. उसके साथ मैं उसको और एक दिया था जिसका नाम है बुध गायत्री. तो बुध गायत्री और संतन गोपाल मंत्र एक साथ वो किया, उसके बाद उसका जो इशू आया वो लड़की ही आया. मुझको भी मालूम नहीं है मिराकुलस कैसे हुआ, शायद भगवान का कोई इच्छा था कि ऐसा होगा. तो बुध गायत्री अगर कर पाएगा कोई विथ संतान गोपाल मंत्र तो फीमेल इशू आने का चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके सौरभ, एंड थैंक यू एवरीवन, जो लोग हमारे साथ है, हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज छोड़ के भी हम लोग आए, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है.
थोड़ा हमलिंग तो हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसा भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमलिंग के लिए। तो फिर हम लोग आएंगे और कोई बड़ा टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, आबाद रहिए, देखते रहिए द सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। नमस्कार।